चिल्ड्रंस, आज हम लेसन वन करेंगे ईवीएस का. लेसन वन है लिविंग टुगेदर. वी ऑल लिव टुगेदर इन ए फैमिली एंड रिलेटेड टू ईच अदर. हम सब परिवार में एक साथ रहते हो, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं. अवर फैमिली गिव्स अस लव, केयर, वार्मथ एंड अफेक्शन. हमारा परिवार जो हमें है, हमारी चिंता करता है, हमें प्यार देता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है. ए फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड एंड मदर इज़ द फर्स्ट टीचर व्हेन ए चाइल्ड इज़ बॉर्न. जो परिवार होता है वो एक बच्चे के लिए उसका पहला स्कूल होता है और उसकी माँ उसकी पहली टीचर होती है, अध्यापिका. इट इज़ टू स्मॉल व्हेन ए चाइल्ड इज़ बॉर्न. जब एक बच्चा पैदा होता है, इट इज़ टू स्मॉल टू डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन. तो वो इतना छोटा होता है कि वो अपने आप से कोई काम नहीं कर पाता. इट नीड्स 24 आवर्स केयर. उसे पूरे 24 घंटे देखभाल की ज़रूरत होती है. ग्रेजुअली इट ग्रोज एंड स्टार्ट्स टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो अलग अलग तरह की चीज़ें सीखता है. इट लर्न्स हाउ टू वॉक. वो सीखता कि उसको सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे टॉक बोलना है, कैसे खाना है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें. और ये सारी चीज़ें उसे परिवार के सब सदस्य मिलकर सिखाते हैं. इन दिस वे इट लर्न्स द हैबिट्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और वो अलग तरह की आदतें कहाँ से सीखता है? परिवार के लोग मिलजुल कर उसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आदतें सिखाते हैं. द मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली आर सिमिलर इन सेवरल थिंग्स लाइक देयर फिजिकल फीचर. जो परिवार के सदस्य होते हैं बहुत सारे चीज़ों में एक जैसे होते हैं. जैसे उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी होती है. जैसे कहते हैं किसी की, मतलब नाक उसकी मम्मी जैसी या आंखें इस तरह से. वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका एंड बिहेविंग मैनी ऑल्सो रिजेंबल. और बिहेवियर की बहुत सारी चीज़ें उसके अपने परिवार के सदस्यों से मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, बट दे आर डिफरेंट इन सेवरल वेज टू. लेकिन वो अलग कुछ चीज़ों में अलग भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे मे डिफर इन देयर एज ग्रुप. उनकी एज ग्रुप अलग होती है. सम मे बी चिल्ड्रन एंड सम मे बी यंग एंड सम मे बी ओल्ड. उनमें कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ बच्चे और कुछ जवान. दे मे ऑल्सो वियर डिफरेंट ड्रेसेस. वे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. जैसे परिवार में जो लोग सब अलग अलग कपड़े पहनते हैं, एक जैसे तो नहीं पहनते. एंड डिफरेंट फूड. सबकी अलग अलग तरह के पसंद का खाना होता है. कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है. हाउएवर, व्हेन द फैमिली प्रेजेंट इट्सेल्फ टुगेदर, इट इज़ लाइक ए स्मॉल यूनिट. फिर भी जब कभी भी पूरा परिवार एक साथ कहीं जाता है तो वो बिल्कुल एक स्मॉल यूनिट, एक छोटी इकाई की तरह लगता है. एक जैसा लगता है सबके साथ. अलग अलग होते हुए भी वो बिल्कुल एक लगता है. इट हैज़ सेवरल थिंग्स इन कॉमन. उसकी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं परिवार की, हर परिवार की. विच मेक इट यूनिक इन इट्स ओन वे. दीज थिंग्स विच आर कॉमन टू ऑल फैमिली मेम्बर्स आर नोन एज फैमिली वैल्यूज़. जो चीज़ें परिवार के सभी सदस्यों में एक जैसी होती हैं वो उनकी फैमिली वैल्यू या पारिवारिक मूल्य होते हैं. जैसे किसी परिवार में औरतें घूंघट निकालती हैं, ये सारी चीज़ें उनकी फैमिली वैल्यूज़ होती हैं. आने वाले पीढ़ियों में भी और ऐसे करते करते यही चीज़ें उनकी चलती रहती हैं. फैमिली वैल्यूज़ चेंज विद टाइम इन एवरी फैमिली. ये फैमिली वैल्यूज़ हैं टाइम के अनुसार हर परिवार में बदलती रहती हैं. जो परिवार के सदस्य होते हैं अब वो अलग अलग तरह के काम भी करते हैं परिवार में, परिवार को चलाने के लिए. जैसे डिफरेंट वर्क्स आर परफॉर्म्ड इन ए फैमिली बाय द डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स. सब लोग मिलकर ही परिवार को चलाते हैं. फादर अर्न्स मनी. जैसे पापा जो होते पैसे कमाते हैं फॉर रनिंग द फैमिली, परिवार को चलाने के लिए. He also goes to the market for buying common things. बाजार भी जाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं. Mother manages the house and also cooks food. जो माँ होती है वो घर संभालती है और खाना बनाती है, सबकी देखभाल करती है,
या घर में जो भी कितने काम होते हैं, कपड़े धोना वगैरह जितने भी काम है वो सारे माँ करती है। चिल्ड्रन ऑल्सो ले हेल्पिंग हैंड इन देयर पेरेंट्स वर्क। जो बच्चे होते हैं वो भी अपने परिवार में मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं छोटे मोटे कामों में। इस तरह सब मिलकर परिवार को चलाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम EVS की वर्कशीट करेंगे। EVS में हम सबसे पहले एक फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री मीन्स इस ट्री में आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। जैसे कि अगर आपके दादाजी साथ में रहते तो उनका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपके भाई का नाम, कोई और भाई है तो उसका नाम, अपनी बहन का नाम, ठीक है, जो भी आपकी फैमिली में रहते हैं आपको उन सबका नाम इन बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन टू, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। नंबर वन, इट इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चे के लिए पहला स्कूल कौन सा होता है? नेबरहुड, पड़ोस होता है, फैमिली, परिवार होता है, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है फैमिली, परिवार। परिवार ही हमारा सबसे पहला स्कूल होता है। नंबर टू, दे लाइक टू ईट सिंपल फूड। सादा खाना खाना कौन पसंद करते हैं? यंग पीपल, जवान लोग पसंद करते हैं, ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग पसंद करते हैं, या चिल्ड्रन, बच्चे पसंद करते हैं? ओल्ड पीपल, ये सही ऑप्शन है, बूढ़े लोग सादा खाना पसंद करते हैं। नंबर थ्री, दे टुगेदर मेक आवर एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली कौन बनाते हैं? एक्सटेंडेड मतलब जो बढ़ते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। कौन बनाते हैं वो? पैटर्नल रिलेटिव्स या मैटरनल रिलेटिव्स या बोथ। पैटर्नल रिलेटिव कौन होते हैं? जो हमारे मतलब दादा के, पापा के, उनके, उनसे संबंधित जो होते हैं, फादर से संबंधित। और मैटरनल रिलेटिव्स जो हमारे माँ के से संबंधित रिश्तेदार होते हैं। तो ये दोनों ही मिलके हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा? बोथ। फोर, दे वर्क टुगेदर टू रन ए फैमिली। परिवार को चलाने के लिए कौन साथ में काम करते हैं? पेरेंट्स करते हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, या फैमिली मेंबर्स करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? फैमिली मेंबर्स, परिवार के सभी लोग करते हैं। फाइव, इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर, रिलीजन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सभ्यता, धर्म और जीवन शैली को कौन प्रभावित करता है? फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स, या बोथ। तो सही ऑप्शन क्या है? बोथ, यानी कि फूड हैबिट्स और ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों ही हमारे इनको प्रभावित करते हैं, जीवन शैली को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, व्हाट डज योर फादर डू टू रन द फैमिली। आपके पापा परिवार को चलाने के लिए क्या करते हैं? आंसर है, फादर अर्न्स मनी फॉर रनिंग द फैमिली। पापा जो हैं परिवार को चलाने के लिए पैसा कमाते हैं। क्वेश्चन टू, इज योर मदर ए हाउस वाइफ और वर्किंग वूमन। क्या आपकी मम्मी एक हाउस वाइफ यानी कि गृहिणी है जो घर में रहती है, या एक वर्किंग वूमन है? क्या आपकी मम्मी नौकरी करती हैं? इनमें से जो भी ऑप्शन सही है उसके आगे आपको टिक करना है। अगर आपकी मम्मी हाउस वाइफ है तो उसके आगे टिक करेंगे, अगर वर्किंग वूमन है तो उसके आगे टिक करेंगे। क्वेश्चन थ्री, वट आर फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं? मैनी थिंग्स विच आर कॉमन टू ऑल फैमिली मेम्बर्स आर नोन एज फैमिली वैल्यूज। जो बहुत सारी चीज़ें परिवार के सब लोगों में एक जैसी होती हैं वो क्या होती हैं? उनकी फैमिली वैल्यूज। क्वेश्चन फोर, हाउ डू डिफरेंट फैमिलीज डिफर टू देयर वैल्यूज। अलग अलग तरह के परिवार, उनकी फैमिली वैल्यू अलग अलग कैसे होती हैं? आंसर, द चेंज ऑफ फैमिली वैल्यूज डिपेंड्स ऑन नंबर वन रिलीजन, धर्म पे, एजुकेशन शिक्षा पे, और नंबर थ्री इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए फैमिली, इन पर डिपेंड करती है। थैंक यू।